भाई राजा की यहाँ पर सभा हो रही थी, वह सभामन सोने की पुतला था। राजा ने कहा कि सोने के दान को कौन लेगा, सभामन का पुतला है। बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े दैवज्ञ, बड़े बड़े पुरुषार्थी, बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े त्रिपुंडधारी, बड़े बड़े ऊर्ध्वपुंडधारी, बड़े बड़े कंठी और रुद्राक्ष धारण करने वाले उस सोने के पुतले को जो ही लेने के लिए चले गए तो सोने का पुतला एक उंगली कर देता था। उस उंगली को देख करके ब्राह्मण भयभीत होकर के वापस चले जाते थे। वल्लभाचार्य जी का नंबर आया, वल्लभाचार्य जी भी खड़े हुए सोने के दान को लेकर के। जो ही उन्होंने औरों की तरह से एक उंगली उठाई, वल्लभाचार्य ने तुरंत तीन उंगली उठा दी। मतलब क्या हुआ इस बात का, एक उंगली और तीन उंगली का? स्वर्णदान कहता है कि जो एक बार संध्या करता हो, प्रातः काल की या मध्यान्ह काल की या सायंकाल की, वो मुझको लेना। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि मैं वेद पाठ करने के उपरांत, शास्त्र स्मरण करने के बाद में, ठाकुर सेवा के उपरांत में मैं तीन बार संध्या करता हूँ। उन्होंने उसको ले लिया और उस सवामन सोने को जितने भी ब्राह्मण बैठे थे उसमें से सबको बराबर 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 बांट दिया। और उतने पर भी जो कुछ सोना बचा तो श्रीनाथ जी की झाड़ी और बंटा बन गए, जो आज तक बने हुए हैं। अभी कभी रिपेयरिंग हो जाती होगी, इधर उधर हो जाती, लेकिन सोना वही है। इतने पर भी वल्लभाचार्य काले पड़ गए स्वर्णदान लेने पर। स्वर्णदान के लिए आवश्यक है कि कम से कम प्रत्येक ब्राह्मण को, ब्राह्मण तभी बनेगा जो अपने माथे पे तिलक लगाएगा, अपनी शिखा बंधन करेगा, अपने गले में तुलसी पहनेगा, अपने गले में यज्ञोपवीत पहनेगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के गायत्री करेगा। स्वर्णदान उसके लिए, लेकिन स्वर्णदान के लिए कोई सामान्य बात नहीं होती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने कम से कम 1500 से ज़्यादा कथा करी हैं, किसी प्रचार प्रसार में नहीं की हैं। जब मेरे गुरु परंपरा में ही स्वर्णदान नहीं लिया तो मैंने भी स्वर्णदान नहीं लिया। और कोई आ जाए देख ले परख ले, लोगों को तो मेरी इस बात का विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे किसी को विश्वास दिला करके क्या करना है? ईमानदारी का धन ही है।